तो ये दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर आज इंडिया में कुछ नए डिवाइस को MIUI 13 अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे डिवाइस जिनको पायलट यूजर को रिलीज किया गया था, जिनको पब्लिकली मिलना स्टार्ट हो चुके। तो कौन से वो शाओमी के डिवाइस है, अगर आप लोग रेडमी पोको MI का डिवाइस यूज करते हो, तो यहाँ पर कौन से डिवाइस को न्यू अपडेट इंडिया में देखने के लिए मिला, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास इंडिया में MI 10i का डिवाइस देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर फाइनली आप लोग के लिए सभी पब्लिक यूजर को MIUI 13 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, MIUI 13.0.3.0 का बिल्ड नंबर देखने मिलता है, 3 GB की साइज देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो एंड्रॉइड 12 अपडेट है, MARS 22 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। लेटेस्ट तो नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, बट सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है एक नया। तो यहाँ पर ये जो अपडेट है, ये सभी पब्लिक यूजर को इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MI 10i के लिए। तो जिनको अभी तक नहीं मिला था, जाके चेक करो, फटाफट से जाकर चेक करो और अपडेट कर लो। लिंक दे दिए मैंने ऑलरेडी अपने इस टेलीग्राम चैनल पर, तो ये टेलीग्राम चैनल, इसको भी जरूर ज्वाइन करके रख लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट डिवाइस है, अगर आपके पास इंडिया में POCO M2 Pro का डिवाइस है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फाइनली POCO M2 Pro के लिए भी इंडिया में एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, MIUI 12.5.6.0 का बिल्ड नंबर देखने मिलता है, 331 MB की साइज मिलती है। और यहाँ पर ये जो अपडेट है, आज कुछ पायलट यूजर को रिलीज किया गया। अपडेट में क्या नया मिलता है, तो अपडेट में मिलता है आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो कि April 22 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट रिलीज किया गया। हालांकि यहाँ पर ये जस्ट एक सिक्योरिटी अपडेट है, और मैं आपको पहले भी वीडियोस के जरिए बताया था कि POCO M2 Pro में जो नेक्स्ट अपडेट होगा, वो MIUI 13 अपडेट नहीं होगा, जस्ट एक सिक्योरिटी अपडेट होगा। तो MIUI 13 अपडेट के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये न्यू सिक्योरिटी अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, हालांकि ये सिर्फ पायलट यूजर को मिला, सभी यूजर को नहीं मिला है। और इसकी जो लिंक्स है, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी, तो आप लोग फिलहाल मैन्युअली अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जैसे ये पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट होगा, उसके बाद आप लोग मैन्युअली अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपको 1 वीक का वेट करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आपको MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस। अगर आपके पास Redmi 10 Prime का इंडियन वेरिएंट का डिवाइस है, तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए इंडिया में Redmi 10 Prime के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, MIUI 12.5.9.0 का बिल्ड नंबर देखने मिलता है, 184 MB की साइज़ देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर मिलता है, अगर अपडेट लॉक की बात करूँ, तो April 22 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, छोटे मोटे बग से उनको फिक्स किया गया। तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट Redmi 10 Prime के लिए इंडिया में रिलीज किया गया। अब यहाँ पर काफ़ी लोग नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे थे MIUI 13 अपडेट को लेके, बट Xiaomi की तरफ से एक न्यू अपडेट देखने को मिला है MIUI 12.5 का। तो यहाँ पर अब ये जो अपडेट है, पहले फुली रोल आउट सभी लोग को किया जाएगा, जिसमें कम से कम 1 मंथ का टाइम लग जाएगा, उसके बाद ही MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो पहले ये जो अपडेट है, अभी सिर्फ पायलट यूज़र को मिला है, 1 वीक का वेट करो, उसके बाद सभी यूज़र को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर फिर जैसे ही फुल्ली रोल आउट होगा, फिर MIUI 13 अपडेट मिलेगा। इसकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी अपने इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, अभी आप लोग मैनुअली अपडेट नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में जाके अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में Xiaomi 12 Pro के लिए MIUI 13 अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है लगभग काफ़ी यूज़र को। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, Xiaomi 12 Pro का डिवाइस देखने के लिए मिलता है, MIUI 13.0.4.0 का एक नया बिल्ड नंबर का अपडेट इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी वैसे ही अपडेट एकदम सभी यूज़र को तो नहीं मिला, कुछ ही यूज़र को देखने के लिए मिला है। तो अगर आपके पास डिवाइस देखने मिलता है Xiaomi 12 Pro का इंडियन वेरिएंट का डिवाइस, जाकर चेक करो, आपको भी MIUI 13.0.4.0 का अपडेट मिला होगा, जिसमें मिलता है एंड्रॉयड 12 अपडेट, और कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस। अगर आपके पास देखने मिलता है Redmi 10a का डिवाइस, वो भी इंडियन वेरिएंट का, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, वो भी पब्लिकली। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, Redmi 10a इंडियन स्टेबल अपडेट है, MIUI 12.5.5.0 का बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ये जो अपडेट है, एंड्रॉयड 11 अपडेट के साथ देखने के लिए मिलता है। अब ये जो अपडेट है, ये अपडेट पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर चेक कर सकते हो जिनके पास Redmi 10a का डिवाइस है। लिंक ऑलरेडी मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, तो आप लोग यहां से मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, और भी कुछ नए डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं, तो फटाफट से बात कर लेते हैं कौन से डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेटेस्ट डिवाइस देखने के लिए मिलता है Xiaomi 11i का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Xiaomi 11i, जो कि इंडिया में हाइपर चार्ज के नाम से देखने के लिए मिलता है। फाइनली यहाँ पर एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.5.6.0 का अपडेट। लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने मिलता है MIUI 12.5.6.0 अपडेट, बट
ये जो अपडेट है अभी कुछ यूजर को देखने के लिए मिला है और यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे थे MIUI 13 अपडेट को लेकर, लेकिन अभी भी यहाँ पर MIUI 12.5.6.0 का ही एक न्यू सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिला है। अपडेट लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज अपडेट मिलता है और छोटे मोटे बग से उनको फिक्स किया गया। अब यहाँ पर ये जो अपडेट है जैसे ही सभी यूजर को फुल्ली रोल आउट हो जाएगा उसके बाद ही फिर आपको MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो देखते कितनी जल्दी फुल्ली रोल आउट होता है, थोड़ा सा इंतजार करो। फिलहाल के लिए Xiaomi 11i यानी कि हाइपर चार्ज के नाम से इंडिया में जो डिवाइस देखने के लिए मिलता है। फाइनली यहाँ पर आप लोगों जिनको अपडेट नहीं मिला है MIUI 12.5.6.0 का अपडेट जाकर चेक करो, आपको ये अपडेट जरूर देखने के लिए मिला होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस। अगर आपके पास Redmi 10X का डिवाइस 4G, ये डिवाइस चाइना में मिलता है लेकिन इंडिया में Redmi Note 9 के नाम से देखने के लिए मिलता है। अब इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि Redmi Note 9 के लिए भी एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में Redmi Note 9, चाइना में Redmi 10X 4G के नाम से यही डिवाइस मिलता है। तो चाइना में एक न्यू अपडेट मिला है जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, MIUI 12.5.7.0 का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ। तो यहाँ पर चांसेस है कि यही एक इसी टाइप का एक नया बिल्ड नंबर का अपडेट भी आपको ग्लोबल और इंडिया में Redmi Note 9 के लिए भी देखने के लिए मिल सकता है। बाकी तो Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है, MIUI 13 और Android 12 अपडेट भी दे सकते हैं, बट उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कम से कम अगस्त के मंथ का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले सिक्योरिटी अपडेट आ सकता है। अब ये अपडेट कब रिलीज होएगा, तो ये अपडेट जैसे चाइना में रिलीज होता है तो उसके 1 मंथ के बाद फिर इंडिया ग्लोबल में देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं Redmi 9 Prime। तो यहाँ पर Redmi 9 नाम आपको चाइना में देखने मिलता है लेकिन इंडिया में Redmi 9 Prime के नाम से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनली चाइना के लिए भी Redmi 9 Prime के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, MIUI 12.5.8.0 का अपडेट स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो अब चाइना में ये अपडेट मिला है तो इसके 1 मंथ के बाद इंडिया और ग्लोबल में भी Redmi 9 Prime में एक न्यू सिक्योरिटी अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप लोग को, एक सिक्योरिटी अपडेट ही रिलीज किया जाएगा, बाकी उसके बाद ही फिर MIUI 13 Android 12 अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग पोको M3 Pro का डिवाइस है तो यहाँ पर फाइनली इंडिया में पोको M3 Pro के लिए MIUI 12.5.4.0 का अपडेट जिनको नहीं मिला था तो आप लोग चेक करो, लगभग अभी ये सभी यूजर को रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, लगभग फुल्ली रोल आउट हो चुका है। तो जिनको अभी तक ये अपडेट नहीं मिला था पोको M3 Pro के लिए 5G डिवाइस के लिए इंडिया में, तो आप लोग चेक करो आपके डिवाइस में ये अपडेट अभी भी शो कर रहा होगा, और अपडेट आया है तो तुरंत उसको अपडेट कर लो क्योंकि अब इसके बाद आना आपको MIUI 13 का अपडेट बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है। इसके बाद ही जो नेक्स्ट अपडेट है वो MIUI 13 अपडेट ही होगा, जो कि मेरे ख्याल से आपको कम से कम 3 वीक का वेट करना पड़ सकता है, 2 वीक में भी अपडेट आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात करो Redmi 8A की, Redmi 8 सीरीज की बात करूँ तो इंडिया में तो कोई भी न्यू अपडेट नहीं आ रहा है। Redmi 8 हो गया, Redmi 8A हो गया, Redmi 8A Dual हो गया, कोई भी न्यू अपडेट नहीं आ रहा है, कब आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ Redmi 8A के लिए इंडोनेशिया में कुछ ही दिन पहले एक न्यू अपडेट मिला था, MIUI 12.5.2.0 का अपडेट। अब ये जो अपडेट है फरवरी सिक्योरिटी अपडेट के साथ देखने के लिए मिलता था, तो ये अपडेट अब लगभग सभी लोग को फुल्ली रोल आउट हो चुका है। इसका मतलब इंडोनेशिया में फुल्ली रोल आउट हो चुका है एक नया अपडेट, तो आने वाले कुछ वीक में अब इंडिया ग्लोबल में भी Redmi 8 सीरीज़ के लिए एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर Redmi 8 सीरीज़ के लिए एक न्यू अपडेट आने वाले कुछ वीक में देखने के लिए मिल सकता है। मैं अभी कोई टाइम कंफर्म डेट नहीं बता सकता, कोई भी वीक नहीं बता सकता, क्योंकि अपडेट काफ़ी ज़्यादा डिले पर डिले होते जा रहा है Redmi 8 सीरीज़ के लिए, बट जल्दी आने वाला है क्योंकि इंडोनेशिया में ये अपडेट फुली रोल आउट हो चुका है। तो थोड़ा सा इंतजार करो, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बात करो तो जिनके पास Redmi Note 11e का डिवाइस देखने मिलता है इंडिया में, तो यहाँ पर आप लोग के लिए MIUI 13.0.2.0 का अपडेट फाइनली पार्शल रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जाकर चेक करो, अगर आपके पास Redmi Note 11e का डिवाइस इंडियन में का डिवाइस देखने के लिए मिलता है तो जाकर चेक कर सकते हो, शायद Redmi 10 Prime 5G के नाम से भी यही डिवाइस देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया में ये अपडेट मिला है, जाकर चेक करो MIUI 13.0.2.0 का अपडेट को, कमेंट करके जरूर बताना आपको अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज इतने सारे डिवाइस को इंडिया में अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं, MIUI 13 अपडेट, Android 12 अपडेट, न्यू सिक्योरिटी अपडेट, तो सभी डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है तो जाकर चेक कर लेना, नहीं आया तो इंतजार कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल से मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी, वहाँ से अपडेट कर सकते हो। कौन से डिवाइस को अपडेट करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो उम्मीद करता आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई फटाफट से इसको लाइक कर लो, जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप चैनल दोनों की। और वीडियो पसंद आई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन ऑल पे पिक कर दें ताकि फ्यूचर में अपडेट्स आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चलते रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।